मैं मुख्यमंत्री साहब नूं ये पुछया कि जो लोकां दे विच खुंड चर्चा चलती है, जो लोकां च चवा चवी घुसर मुसर होण लग जांदी है, वह बिना किसी गल तो नहीं हुंदी। सियाणे कहिंदे आ जिथे धूआं इहदा मतलब उत्थे अग है। आ जिहड़ा BSF दा ऑर्डिनेंस एक्ट जिहड़ा साडे ते लागू कीता है, इहदी टाइमिंग की है जी? तुसीं तीन चार अमित शाह जी नूं ते प्रधानमंत्री जी नूं, उस तो बाद तीन चार दिन बाद एक कानून लागू हो जाता है। बिल्कुल इस तरह साढ़े चार साल ऐसे सरकार दे पहला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो जो जाता सी अमित शाह जी को प्रधानमंत्री को फाइल दिखा देंदे सी, क्या थोड़े टब्बर का कुछ समान पिया साडे कोले, ते कैप्टन साहब कहिंदे सी ठीक है जी जिवें कहोगे उवें कर लांगे। ते ओह साढ़े चार साल BJP आपदी मनमर्जी नाल सरकार चलाई उन्होंने पंजाब दे विच, मतलब BJP दे मुख्यमंत्री सीगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। एक भी कानून इहो जिहा नहीं सी, मैं अज मुख्यमंत्री साहब नूं कहा, एक भी कानून किसान कानून तक, किसान खेती कानून बिलां तक लैके एक भी कानून इहो जिहा नहीं सेंटर दा जिहड़ा बांह मरोड़ के उन्होंने पंजाब तों लागू ना कराया होवे, क्योंकि फाइल दिखा दिंदे सी। हुण लोग इह पुछदे ने मुख्यमंत्री चन्नी साहब नूं कि सर हुण तुसीं गए सी तीन दिन बाद BSF नूं 50 किलोमीटर का एरिया देता अद्धा पंजाब, हुण तुहाडी जां फिर तुहाडी कैबिनेट दे मंत्रियों की कोई फाइल दिखा की डील होई है, केड़े डरों तुसीं पंजाब अद्धा पंजाब जिहड़ा है वह फौज के हवाले कर आए हो, दसो स्पष्टीकरण दिओ पंजाब दे लोकां नूं, केड़ा डर सी हो, जां फिर चरणजीत चन्नी जी तुसीं भोलेपण च हां करे, जां फिर तुहानूं सारा कुछ पता है, जवाब दिओ इस गल दा पंजाब दे लोकां सामने, जवाब दिओ इस गल दा मीडिया सामने। 15 किलोमीटर दे पहला रेंज सी, अज पंजाब सरकार ने प्रेजेंटेशन दित्ती कि कोई भी ड्रोन 3 या 4 किलोमीटर तो बाद अंदर नहीं आया, तो फिर 50 किलोमीटर की जिहड़ी है रेंज वो वधाउण दी की लोड़ सी। ते नाल एक मैं तुहानूं होर इनफॉर्मेशन दे दां कि जिहड़ा यह NIA एक्ट ते BSF का जिहड़ा एक्ट है जिहदे च 139 क्लॉज 1 उहदा सब क्लॉज 2 ये एक्ट जिहड़े ने उह लैके कौन आया, पी चिदंबरम जी मार्च 2012 लेके आ गए ने। उस वेले सारिया सरकार तो रिव्यू मंगया गया, व्यू मंगे थे, हैरान होंगे कल्ले सिक्किम ने विरोध किया सी, पंजाब दे विच BJP ते अकाली दल की सरकार सी, अज चंद्रू महाराज चीमा जी आए से, मैं कहा जी 5 रिमाइंडर भेजने के बावजूद भी इन्होंने ना हां की ना हां की, अज विरोध करते किड़े नूं विरोध करते सी, कांग्रेस ने एक्ट लिया। और एक्ट की कहिंदा है कि देखो जिहड़ियां BSF है CRPF है ये असिस्ट करदियां ने, जदों भी किसी स्टेट दे विच जांदियां ने इलैक्शन वेले तुसीं तां देखदे हो पैरामिलिट्री फोर्सेस आउंदियां ने, नाका लग्या हुंदा रोकदे ने CRPF वाले जां इंडो तिब्बतीयन बॉर्डर वाले रोकदे ने, पर नाल एक हौलदार एक SHO ते एक सिपाही पंजाब वाला खड़ा हुंदा, उन्होंने रोकना है जे कोई इतराजयोग समगरी इलैक्शन कोड दौरान उन्होंने मिलती है किसी गड्डी चों तां उह कहिंदे ने जी उस सरदार जी के पास जाओ वो इंचार्ज है, वो आप नहीं एक्शन ले सकते, पर साडी सरकार ने पंजाब सरकार ने वो सरदार जी भी उठा दिए वहां से। BSF कल्ली आऊगी, एक्शन लाऊगी, नाके लाऊगी, छापे मारूगी, बंदे नूं फड़ूगी, उन्हों NIA नूं दे दूगी,
ਭਾਲਦੇ ਫਿਰੋ ਆਪਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਤਕੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐਨ ਆਈ ਏ ਉਹ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਫੰਡ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਓ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਕਹਿੰਦੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, 10 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਵੰਡੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਰ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲ ਭੰਡਾਰ ਤਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਉਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿਓ ਆਪਦੀ, ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਮੰਨੋ। ਫਿਰ ਮੋਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਫੌਜ ਆਊਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਐਨ ਆਈ ਏ ਕੋਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਛਾਪੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, CRPਾਂ ਦੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਹੜੇ CIA ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਬਈ, ਆਪਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ? ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਰਵਾਓਗੇ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ? GST ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੇ CBSE ਨੇ ਉਹ ਕਰਤੀ ਬਾਹਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਐਸੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੋਲੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜ ਲਾਤਾ, ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਕੰਮ ਬਸ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਖੋਕੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਹੁਣ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹੋ ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਡਰੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਡਰੋਨ ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਪਲਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਟੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਪਲਟੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲਟ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਵੰਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੱਲ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਇਹ,
कि सानू लीगल एक्शन भी नाल लेना चाहिए। ए जी साहब बैठे सी कि नाल नाल आपां इस जिहड़े विषय नू लीगल भी आपां साउंड होईए। चीमा साहब ने कहा स्पैशल सैशन बुलाओ और लाइव करो, सारे पता लगे, सारे चैनलों पर लाइव करो, सारे पता लगे की हो रहा अंदर। बीजेपी वाले आए नहीं, चलो उन्होंने पता, उन्होंने भी सानू असी तो किया ही है काम, उन्होंने की आना। पर अज एक बार फिर पंजाब नू चन्नी सरकार ने गहने रखे, उसके हाथों पर डाके मारे ने, और आम आदमी पार्टी वालों क्योंकि बिल ये लोग सभा राज सभा चोना है उत्थे विरोध करांगे। मैं ये भी कहा कांग्रेस जिहड़ी आ सब तो वड्डी पार्टी है लोग सभा च, पर सर लोग सभा सब तो वड्डी पार्टी है, पर उत्थे उन्हां दा बहुमत इन्ना है बीजेपी का कि जबानी बोर्ड राही पास करा लेंगे, पर राज सभा दे विच ये बिल रोकिया जा सकता है बशर्ते नीयत साफ होवे। राज्यसभा की करते हैं कांग्रेस की करती है, तो पहला अपने अद्धे राज्यसभा मैंबर गैर हाजिर कर देंगे, उन्होंने नंबर पूरे हो जाते हैं। जे सच्चे दिलों कांग्रेस जिहड़ी है वह साथ देवे राज्यसभा तो बिल पास नहीं हो सकता, क्योंकि उधरों बंगाल का भी कर लिया ना, टीएमसी भी आऊगी पूरे भरे मन न। अच्छा गुजरात का 80 किलोमीटर तो घटा के 50 किलोमीटर कर, ठीक है पाकिस्तान ने अपनी ड्रोना की कपैसिटी घटा थी गुजरात वास्ते कि नहीं थोड़ा जहा घट करा हद है यार। सो मैं एक मिनट लिए कहूंगा अमन जो तुसी लीगल वाला पॉइंट सी उस बाद तुहाडे सवाल। साथियों वैसे तो मान साहब ने जिस दलेरी दे नाल और बुलंद आवाज दे नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾ ਹਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਸਾਬਕੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ, ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜੇਗੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਗਲ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਔਰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ MHA ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਨਵਿੰਸਡ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਂਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਤਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਕਿ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।
राज्यसभा मान साहब ने वो जो सुनना ही नहीं है साढ़े एम पी ए चक के बाहर छिड़ते हैं मार्शल के राही वॉयस वोट के उ भी पास करा सकते हैं। सो जे सही मायने के जे कोई इस तो पंजाब नूं बचाउण दी गल हो सकदी है बीएसएफ ने जिहड़ा अद्धा कब्जा पंजाब दे उपर कर लैणा है ते उहदा सिर्फ और सिर्फ जे इक्को कोर्स ऑफ एक्शन है तो उह लीगल है ते जे अज इस नूं पंजाब ने पूरी एकमुठता दे नाल पूरी जुरत दे नाल चैलेंज ना कीता लड़ाई ना लड़ी ते उह दिन वी दूर नहीं हैगा कि जद केंद्र दी मोदी सरकार जिवें जे एंड के दे विच और नॉर्थ ईस्ट दीआं जिहड़ियां पंज स्टेटां ने नागालैंड मणिपुर सिक्किम मिजोरम उन्हां पंजां स्टेटां वांग जिथे 100% बीएसएफ दी जुरिसडिक्शन है ते इह वी हो सकदा कि 4-6 महीने बाद जे अज असीं ना लड़ाई लड़ी चाहे इह पंजाब दे हित कॉम्प्रोमाइज़ करे उत्थे समझौते करे इह कांग्रेस सरकार इह मुख्यमंत्री पर जे अज इह लड़ाई ना लड़ी ते केंद्र मूंह तोड़ो जवाब ना दित्ता ते 4-6 महीने बाद हो सकदा है सारे सारे पंजाब बीएसएफ नूं सौंप देण। इह असीं गल रखी आम आदमी पार्टी वालों ते नवजोत सिंह सिद्धू और बाकी जिहड़े पार्टी सी उन्होंने भी एंडोर्स किया और उन्होंने भी कमेंट किया सीएम चन्नी साहब ने कि असी इहदा लीगल जिहड़ा कोर्स ऑफ एक्शन है सुप्रीम कोर्ट दे चो भी लवांगे। देखो असी उन्हों जो सवाल पूछे ने स्पष्ट करने पैणा विधानसभा का स्पैशल सैशन बना बुलाते सहमति हुई है सैशन दे विच जिहड़ा खेती कानून ने पहला उन्होंने पंजाब वालों अमेंडमेंट करती उस कानून असं पहला नहीं कहते रहे उन्होंने कानून बनाया तुम अमेंडमेंट करके किमें साइन कर देंगे राष्ट्रपति पंजाब वालों जिन्हें एस वाई एल का रद्द किया असं नहीं करना बिल्कुल उस तरह तिने खेती कानून तो आ जो बी एस एफ वाला जो कानून है ये दोनों कानून जोड़े ने यह मते लिया के उ रद्द किए जा इस गलते सहमति हुई है लाइव टैलीकास्ट होगा मुख्यमंत्री साहब दस के आएंगे। सो असी राज्यसभा लोक सभा मैं उन्होंने तो अच आप सपोर्ट मंगी है कि कांग्रेस का सपोर्ट करे वह अद्धे उधर चले जाते हैं अद्धे उधर चले जाते हैं घट्टो घट्ट अपना पंजाब के मुद्दे एक दिखिए साउथ के जेडे जे साउथ के एम पी ने केरला तमिलनाडु वो जो स्टेट का मुद्दा होंगे आंध्रा वाल वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ जी हाँ जी असी असी पंजाब दी एक एक इंच जमीन किसी नूं भी चाहे बी एस एफ है चाहे कोई होर फोर्सिज ने जिहड़ियां फोर्सिज ने वो असिस्ट करदियां ने सबस्टीट्यूट नहीं कर सकदियां तुसीं पुलिस नूं साडी पंजाब पुलिस नूं सबस्टीट्यूट नहीं कर सकते उहदा बदला नहीं देख सकते तुसीं असिस्ट कर सकते हो। सो ये तो हौली हौली तुसीं बिल्कुल राष्ट्रपति राज वल जा रहा सूबा फिर पहला यह उन्होंने गलता करना पहला हजे तक तो इन्होंने यह नहीं पता कि चिट्ठी की है हजे तक तो इन्होंने यह नहीं पूछा अमित शाह सरकार सेंटर सरकार कि सानू चिट्ठी तो दिखा दो क्यों लाया की कारण हो गया कि 50 किलोमीटर करना पै गया अचानक 15 तो लीगल एक्शन की डिमांड की उन्होंने क्या करा जिन्ना हो सकता असं सहयोग करा पर जे जिस तरह पहला 4.5 साल चलता रहा जे इस तरह चलता रहा कि आपदी फाइलों जो आपके जेडे निजी हितों को बचाने वास्ते कर फिर असं इन्हों सपोर्ट करा नहीं बिल्कुल बिल्कुल अवेयरनैस जी है वो बहुत जरूरी है लोगों को दसया जाए कि अपने ये नहीं है कि हम पंजाब पुलिस की थान से वो खर्चा करे नो नो वो मन मर्जियां करे इलेक्शन वेले ही क्यों ये आता जी नैशनल सिक्योरिटी का मुद्दा सिर्फ बंगाल तो पंजाब लेने जी गुजरात घटाता बंगाल पंजाब तो राजस्थान नॉन बीजेपी स्टेटा लिया ने बंगाल का 148 सीटा जीडिया 298 चो
अद उन्होंने कवर कर लिया सो वह भी आने उन्होंने भी लेना चाहिए ना बिल्कुल 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 ताकि लोगों को भी पता लगे ऑलरेडी वो इलाका जिहड़ा बॉर्डर का इलाका बहुत पीड़ित रहा पहला भी पीड़ित रहा वो तो अज तक जिहड़े ने उन्होंने चुल्हे जिहड़े ने चक नहीं मची वो तो अज तक उन्होंने जख्म जिहड़े ने अल्ले ने मैं यह गल कही भी अंदर कि बस करो जी हुण कृपा करके पंजाब नूं दुबारे पंजाब बना लो हुण इहनूं होर पंजाबी होर सूबी ना बनाओ कृपा करके देखो एक अमित शाह जी ने यह गल रखी के पंजाब दे विच ड्रग्स और वेपन ने जिहड़े को आ रहे ने अजिहे कोई प्रेसिंग सिचुएशन सी नहीं मानसून पेंडिंग पे आगा मानसून तो पेंडिंग पे ड्यूरेशन की गल नहीं हो रही अश्विनी नहीं नहीं अज बकायदा तौर पर वो पढ़े गए ने तो उन्होंने ड्राफ्टिंग जी सानू पहला मिलू सानू देखो ये पंजाब दे विच इदां नहीं होना चाहिए साढ़े पंजाब हमारे पंजाब में ऐसा भाईचारा जो है वो बहुत मजबूत है लेकिन ऐसी पंजाब में घटना होना वो बहुत दुखदायक है एक गेम है कोई मैच हार गया कोई जीत गया इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए कि ये वो है इसको धर्म से जोड़ लो या इसको आप किसी जाति से जोड़ लो इसकी हम निंदा देखो गल नहीं देखो गल देखो पता की मैं कहना मेरे लिए अरूसा पंजाब का मुद्दा नहीं है ये हुण आपस च फोटो पाई जांदे आ पहला तो उहदे नाल महफलां लाउंदे रहे कदे सीता फल कदे चीकू ते हुण कहिंदे वी आ इत्थे सी आ इत्थे सी ओह कहिंदा तू इत्थे सी ओह कहिंदा इह वी इत्थे सी ओह कहिंदा तू वी इत्थे सी ये पंजाब दे मुद्दे नहीं हैगे मेरे लिए पंजाब दे मुद्दे वह ने जिहड़े टैंकियां ते चढ़े बैठे ने बेरोजगार मेरे लिए पंजाब दे मुद्दे वह ने जिहड़े मंत्रियां दे घरां मूहरे टैंट ला के बैठे ने मेरे लिए आंगनबाड़ी वाली जिहड़ियां कुट खाई जांदियां ने मेरे लिए किसान जिहड़े अपनियां फसलां नूं अग लाई जांदे आ सर इन्हां कोल होर है ही नहीं कुछ इन्हां कोल होर है की इस तों बिना इन्हां कोल होर दिखाउण की जदों कम्म तां कीता नहीं साढ़े चार साल कोई कम तो यही होया वह कहना मैं साढ़े चार साल तो कोई स्पॉन्सर है कोई वो स्पॉन्सर है सो मैं नहीं लगता कि मैं पहला तो कहता रहा मैं लोग सभा के सवाल उठा नहीं मिले मौका कि मैं कि इंडिया के मैं होम मिनिस्ट्री तो सवाल पूछना सी इंडिया के किन्ने पाकिस्तानी नागरिक ने जो सरकारी रहायशां च रहिंदे ने ते ओह बदलियां भी करते हैं तो वह मतलब अपॉइंटमेंट्स भी करते हैं तो जिन्हां दे डी जी पी ते चीफ सैकटरी जिन्हों के पैरों च बैठे होंगे ने भी किन्ने किन्ने है नहीं नहीं, नहीं, नहीं ओदों ओदों यही कहते होंगे नहीं जी ये निजी है निजी हमारे नहीं चाहिए हम कहते हम कहते हैं ना जी देखो जी रूसा टैची लेंदी सी टैची लेके दुबई भेजती सी पता नहीं कितने सो लुट के पंजाब नूं खा लिया इन्होंने पर पंजाब के लोग जानते हैं मैं एक बार फिर कहना सरकार पलटी नहीं बंदे पलटे ने लोगों नूं लोग जिहड़े जदों जाणगे ना कांग्रेस वाले इन्हां तों 5 साल का हिसाब मंगणगे कोई 3 महीने का 2 महीने